नमस्कार, जेके न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान। दरअसल सबकी आंखों में आंसू तब आ गए जब नोएडा के एक सांस्कृतिक मंच पर भारत माँ के सपूतों ने दुश्मनों पर चलाकर गोलियां अपनी विजय हासिल करके हिंदुस्तान का तिरंगा उनकी चोटी पर लगा दिया। दिखाएंगे पूरी वीडियो, लेकिन उससे पहले नोएडा की कुछ खास खबरें। नोएडा पहुंचे बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, डीएनडी पर हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएनडी पर सतीश महाना का स्वागत किया। सतीश महाना आज नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और नोएडा के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। सतीश महाना के स्वागत के लिए दादरी विधायक मास्टर तेजपाल सिंह नागर, नोएडा महानगर अध्यक्ष राकेश शर्मा, गेझा के कपिल प्रधान पंडित आनंद तिवारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जाकर डीएनडी पर सतीश महाना का जोरदार स्वागत किया। नोएडा के सदरपुर सेक्टर 45 में खाटू श्याम के विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की उमड़ी भीड़। खाटू श्याम के भजन पर सभी भक्तों ने जमकर आनंद उठाया। वहीं धर्म और आस्था को लेकर विद्वानों ने दी कई अहम जानकारियां। ये जो है सबसे प्राचीन मठ है इनका, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुराना मठ है। ये 200 साल पुराना मठ है। यहाँ दो महात्माओं की समाधि है। तीसरे में गद्दीपति में हूँ मैं, श्री मेजनी पंचायत के खड़े से हूँ मैं, महंत जय भारती। श्री वटेश्वर महादेव मठ है, प्राचीन शिव मंदिर सदरपुर सेक्टर 45। यहाँ बड़ी धूमधाम से हर साल इसी तरह खाटू श्याम का जागरण मनाया जाता है। बहुत बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठी होती है, सभी लोग आते हैं, आदर सम्मान के साथ मनाते हैं। भगवान शिव की, हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है और इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याणार्थ। धर्म से प्रत्येक जीव जुड़े, धर्मो रक्षते रक्षते, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस उद्देश्य से आयोजन किया और बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ के भाग लिया है। तो महादेव मठ के प्रांगण में अष्ट दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी का आयोजन हुआ। उसके तत्प्रांत हवन इत्यादि भंडारा चला। आज खाटू श्याम बाबा का रात्रि पर्यंत जागरण भी चल रहा है। इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार हैं तो श्री सीताराम जी हैं। वैसे देखा जाए तो सीताराम जी को भी प्रत्येक मनुष्य मात्र का ही उन्हें सहयोग है। जैसा भी सहयोग जीव जैसा कर सकता है, कोई धन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, तो कोई धन से कर रहा है। कोई भी आयोजन हो, चाहे व्यक्ति भले ही अकेला क्यों न कराए, पर जब तक जन समुदाय का सहयोग नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति इस प्रकार के आयोजन कदाप नहीं कर सकता। और अब आपको दिखाएंगे नोएडा के सलारपुर की भी एक सांस्कृतिक मंच की वो तस्वीरें, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कला के माध्यम से इनके अंदर पूरी तरीके से देश सेवा करने की जो भावना जागृत हो रही है वो वास्तव में एक काबिले तारीफ है। दरअसल ये बच्चे सलारपुर के बेबी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन कारनामे बड़े। इन बच्चों ने इस सांस्कृतिक मंच पर अपनी कला का ऐसा समा बांध दिया जिसे देखकर हजारों दिलों की धड़कनें भारत माँ के प्यार में लिप्त हो गईं।
जहां इन नन्हे बच्चों ने दुश्मनों का मुकाबला करके उन पर अपनी विजय दर्ज करके हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा दिया, वहीं भारत माँ के इस तिरंगे को जब लहराया तो वो अंदाज ही निराला था। स्कूल के प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा के साथ साथ शाही संस्कृति और देश सेवा में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना ही हमारा परम उद्देश्य है। बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए आपने पूर्ण समय यहाँ पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुन चौहान जी को। अब विद्या मंदिर में हमारी आपसे मुलाकात होगी और प्रसाद लेकर के यहाँ प्रसाद आ गए हैं। जेके न्यूज के ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।